नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अमित शर्मा, और आप देख रहे हैं मैड मैकेनिक गैराज। तो आज की इस वीडियो में जो है ये डेल्फी का जो है एसी कंप्रेसर है, और इससे पहले जो गाड़ी का ओरिजिनल कंप्रेसर था सेम प्रॉब्लम उसमें भी थी, और सेम प्रॉब्लम 2 महीने बाद इसमें भी आई है। इसमें हमने थोड़ा सा गैस भी कम रखा था कि ये शायद थोड़ा सा साउंड कर रहा था। इवन मुझे लग रहा है कि जो ये कंप्रेसर मुझे बेचा गया है ये ऑलरेडी पहले से ख़राब था, तभी जाके जो एसी कंप्रेसर सेल करते हैं वो पहले ही बता देते हैं कि कोई गारंटी वारंटी गाड़ी पे नहीं है सामान पे। तो चलिए हम इसको खोलते हैं, क्योंकि इससे पहले भी इसके क्लच में इशू आया था, तो हम इसका क्लच हमने इससे पहले भी खोल के चेक किया था, लेकिन इसका कंप्रेसर काम कर रहा था जब गाड़ी में 2 महीने पहले हमने इसको लगाया था, काम कर रहा था और अच्छा खासा काम कर रहा था। तो फिर जो है इसमें धीरे धीरे साउंड आनी शुरू हो गई, तो हमने कहा कि ऐसा है इसमें थोड़ा सा गैस कम कर दिया जाए। और गैस कम करने की वजह से क्या हुआ कि इसकी साउंड ख़त्म हो गई थी, तो हमने उस पर छोड़ दिया कि जब ये थोड़ा सा 1-2 महीना चल जाएगा फिर हम इसमें जो है एसी गैस थोड़ा सा बढ़ा देंगे। लेकिन जब 2 महीने बाद हमने गैस चेक की तो वो फुल बता रही थी गाड़ी में, और इसलिए हमने गैस रिकवर भी कर ली इसकी। और जब रिकवर कर ली है तो अब जो है हम इसमें इसका कंप्रेसर खोल रहे हैं कि इसके कंप्रेसर में इशू हमें लग रहा है, और हमारे पास 2-3 कंप्रेसर ऑलरेडी हमारे पास पड़े हैं। तो हमको ज़्यादातर इसमें 2 ही चांस होते हैं ख़राब होने के, या तो इसके पिस्टन घिसे होंगे या फिर इसका वाल्व ख़राब हुआ होगा। तो वाल्व बहुत रेयर केस में ख़राब होता है, और पिस्टन के ज़्यादातर चांस इसलिए होते हैं कि पिस्टन अगर ये कंप्रेसर जो है आपका हीट कर रहा है या इंजन हीट कर रहा है तो उसके कारण भी जो है आपका एसी कंप्रेसर जो है वो ख़राब हो जाता है, इंजन के ज़्यादा गर्म होने की वजह से या फिर बहुत ज़्यादा पानी में चलने की वजह से। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो ये जो है ये गर्म हुआ है, क्लच जो है काफ़ी अच्छा खासा गर्म है, या तो ये फ्रिक्शन से हुई है चाहे किसी भी कारण से, लेकिन ये गर्म हुई है। और गर्म होने के नाते मुझे लग रहा है कि इसमें जो है जो भी एसी में इशू आया है वो हीटिंग की वजह से आया होगा। तो हम इसको निकाल के जो है एक एक करके पूरे कंप्रेसर को चेक करेंगे, जिससे कि इसकी जो आवाज़ है जैसे ये क्या हो रहा है, इसमें से हवा सक करनी चाहिए और इसमें से आनी चाहिए, तो इसमें से ढकेल तो रहा है लेकिन जो प्रेशर से ढकेलना चाहिए वो, जैसे ये प्रेशर बना और ये प्रेशर रिलीज़ हो गया, खुद ही रिलीज़ हो गया इसी साइड से। तो ये गाड़ी का कंप्रेसर देखिए, तो ये प्रेशर नहीं बना पा रहा है। मेन मोटिव ये है कि कंप्रेसर काम कर रहा है पर ये प्रेशर नहीं बना पा रहा है। तो वो 2 कारण हो सकते हैं, अगर ये 4 या 5 पिस्टन वाला हुआ तो। इसमें कचरा भरा हुआ है मिट्टी जैसा, यहाँ पे देखिए ये कचरा है, कचरा है। इसका यहाँ से ले गया है,
इसमें पानी आया हुआ है कंप्रेसर के अंदर, कंप्रेसर के अंदर पानी है। शायद आप लोग को ना दिख रहा हो, मैं नज़दीक से दिखा दे रहा हूँ। इसमें जो ऑयल के साथ आप देख सकते हो, गंदगी के साथ पानी भी है और यहाँ पर जंग पकड़ा हुआ है, यहाँ जंग पकड़ा हुआ है, यहाँ जंग पकड़ा है। तो हो सकता है ये जो मॉइस्चर है उसकी वजह से गया हो। तो इसमें जो है पानी गया हुआ था, तो ये जो कंप्रेसर है ये थोड़ा बीच बीच में अटक भी रहा है और जो है इसमें कोई दिक्कत सामने से तो नहीं दिख रही है, लेकिन बैरिंग के ऊपर जो है वो जंग लगा हुआ है। और इसमें देखते हैं कि क्या इशू है, कि ये काम क्यों नहीं कर रहा है। और लाइनर भी हमको इसमें का अच्छा लग रहा है, बिल्कुल कोई नहीं लग रहा है। पिस्टन भी सामने से साफ़ सुथरे दिख रहे हैं, लेकिन इससे हम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते क्या गाड़ी में इशू है। तो हम इसको घुमा रहे हैं और घुमाने के ऊपर पता चल रहा है कि पिस्टन और जो शाफ्ट है उसमें कोई प्ले नहीं है और ये आराम से घूम रहा है। तो ज़्यादातर चांस है, क्योंकि इंजन जब 3000-4000 आरपीएम पे जा रहा था तब ये कंप्रेसर काम कर रहा था और पुराना वाला भी काम कर रहा था। तो हम जो है, ये पुराना वाला कंप्रेसर है, वो दोनों आप देख रहे हैं, और एक डीजल बीट का है और एक पेट्रोल बीट का है, और दोनों ही कंप्रेसर बीट के हैं। तो फ़िलहाल तो अभी हम एक एक करके सारे कंप्रेसर खोलेंगे। सबसे पहले जो कंप्रेसर की इशू है, सबसे पहले हम वो समझेंगे, फिर उसके बाद जो है वो दूसरा कंप्रेसर खोलेंगे। क्योंकि पिस्टन में मेन जो होता है वो उसकी होती है टेफ्लॉन की कोटिंग। अगर टेफ्लॉन की कोटिंग पिस्टन से उतरी होगी तब जो है आप चाहे तो ये कंप्रेसर जो है वो खराब काम हुआ है, जो मैंने अभी आपसे कहा उसका कारण ये है, इसके पिस्टन के ऊपर टेफ्लॉन कोटिंग उतर गई है और कुछ के ऊपर ऐसा लग रहा है कि वो हीट होकर फूल फूल कर खराब हो गई है। उसमें छोटे अगर आप देखो तो इस पर अगर आप पिस्टन को देख सकते हैं तो पूरी तरह से पिस्टन के ऊपर से उतर गई है और यही जाके वाल में फंसने की वजह से जो है इसके बाद सर अच्छे से काम नहीं कर रहा है। और ये टेफ्लॉन की कोटिंग भी है, यही टेफ्लॉन की छोटी छोटी कोटिंग जो है जो आपका वॉल है, तो अब जो वॉल के सेंटर में जाके फंस रही है और वॉल जो है बंद नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ये इशू आ रही है। और शाफ्ट, जैसा मैंने आपसे कहा कि शाफ्ट बिल्कुल सही है, शाफ्ट में कोई कट नहीं है, तो जो इसमें दिक्कत है वो पिस्टन का है। ऑनलाइन कुछ जगह पिस्टन दिख रहे हैं लेकिन वो करंटली अनअवेलेबल है। तो हम जो है पूरा जो उस कंप्रेसर खोल चुके हैं और फिर जो है अभी हम जो पुराना वाला कंप्रेसर है वो भी खोलेंगे। और इसमें ये एक चीज़ टूटी हुई है वॉल में, अगर आप देखें तो एक वॉल टूटा भी हुआ है, या तो ये कंपनी का फॉल्ट है, लेकिन इसमें एक वॉल नहीं है, यानी सिर्फ 9 सिलेंडर काम कर रहे हैं गाड़ी में, जिसकी वजह से जो है गाड़ी का एसी का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा है। ये तो मान लीजिए हम दूसरी गाड़ी का भी लगा सकते हैं, लेकिन मेन जो है हमारे पिस्टन है और पिस्टन के ऊपर से टेफ्लॉन की कोटिंग उतर गई है। फ़िलहाल अभी मैं देख रहा हूँ कहीं मुझे टेफ्लॉन जो पिस्टन मिल जाते हैं तो पिस्टन डाल दूँगा। मैं नए पिस्टन की बात कर रहा हूँ, सेकेंड हैंड पिस्टन की बात नहीं कर रहा। मैं नए पिस्टन अगर मुझे कहीं भी मिल जाते हैं तो मैं इसमें पिस्टन डाल दूँगा, लेकिन अगर मुझे टेफ्लॉन कोटिंग करने वाला कोटिंग मिल जाता है तो हम इस पे सभी पिस्टनों की कोटिंग करके एक बार कंप्रेसर जो है चलाकर ज़रूर देखेंगे, और चलाने के बाद जो है फिर इसका परफॉर्मेंस देखेंगे। चलिए सबसे पहले जो इसको धो के रख देते हैं। तो जो है एसी कंप्रेसर को हमने अच्छे से धो दिया है, ये इसका पिस्टन है और बहुत ज़्यादा इसमें घिसावट नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा घिसा है, एकदम प्लेन है। बस एक जिसमें से पूरी टेफ्लॉन की कोटिंग उतर गई थी, बस उसमें से थोड़ा सा स्क्रैच है, लेकिन वो चल जाएगा उसके बिना भी। और सारे लाइनर ठीक हैं, मेन जो है हमारे पिस्टन ज़्यादा ख़राब है, तो पिस्टन पे ही हमारा सारा फोकस रहेगा। पिस्टन जहाँ देखिए, जैसे पिस्टन पे बीच बीच में फूल गए हैं, और देखिए जैसे ये फूल चुके हैं, तो प्रॉब्लम यही है कि अगर मैंने इसको यूज़ किया, वैसे यूज़ कर सकता हूँ, तीन पिस्टन अभी भी जो है यूज़ करने लायक हैं और दो यूज़ करने लायक नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हम दो यूज़ नहीं कर सकते अलग अलग, जैसे बहुत सारे जो पिस्टन हैं, मान लीजिए मैं 3-4 कंप्रेसर के पार्ट यूज़ करके बना सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि पार्ट तभी हम यूज़ कर सकते हैं जब पिस्टन का साइज़ सेम हो।
तो ये डेल्फी का है और डेल्फी का पिस्टन मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा बड़ा पिस्टन है और ये पिस्टन मिलने के चांसेस भी कम है। और जितनी भी अमेरिकन गाड़ी है प्रॉब्लम ये है कि या फिर इंडियन गाड़ी को भी अगर आप कहते हैं तो कहीं पर भी जो है आपको टेफलॉन की कोटिंग किए हुए पार्ट्स नहीं मिलते। ये पार्ट्स अगर मिल जाएं तो आप सोच सकते हो 12,000 का सामान खरीदने से अच्छा है कि 2-3,000 में उसको रिपेयर कर दिया जाए, लेकिन कंपनियां ये पार्ट्स अवेलेबल नहीं कराती हैं क्योंकि इसमें पिस्टन और शाफ्ट मेन है। अगर मान लीजिए हमारा शाफ्ट ख़राब है तो हमने शाफ्ट बदल दी, बैरिंग ख़राब है बैरिंग बदल दी, आयल सील ख़राब है आयल सील बदल दी, तो इसी तरह सारे पार्ट्स अवेलेबल होने चाहिए। क्योंकि अगर मान के चलिए 10 रुपये की ओरिंग अगर ख़राब है तो उसके लिए हम कंप्रेसर नहीं चेंज करेंगे। तो फ़िलहाल तो अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब इस कंप्रेसर को हम खोलेंगे बाद में और फिर देखते हैं क्या किया जा सकता है। मेन है कि पिस्टन का साइज़ सेम होना चाहिए, कंप्रेसर भले ही साइज़ का सेम है लेकिन पिस्टन का साइज़ जो है वो अलग हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो अभी हम इसको सूखने देंगे और पहले मार्केट में पता करते हैं कि ये पिस्टन मिलेंगे कि या नहीं। अगर मिल जाते हैं तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा और बहुत सारा पैसा फालतू का जो है वो बच जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ये पिस्टन मैं खोजता हूँ और जैसा अपडेट रहेगा मैं आपको वीडियो में अपडेट करता रहूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।